हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा बताने वाली है एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको इतना गोरा बना देगा एक ही दिन में कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको बताऊंगी कि मैंने इस फेस रेमेडी में क्या इस्तेमाल किया है, कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। मैं अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो उससे जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और बहुत ज्यादा शेयर करना है। शेयर इतना ज्यादा करिए ताकि सब लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपनी निखरी हुई त्वचा पा सके। हम मेन है या वुमेन, हर किसी का सपना होता है कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो, बेदाग हो और निखरी हुई हो। कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क हो या लाइट हो, लेकिन ग्लोइंग होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों का सांवली त्वचा होती है लेकिन डल होती है, बेजान होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, सन या वेदर का इतना इफेक्ट पड़ता है कि हमारी स्किन डे बाय डे डल होती रहती है। तो अगर आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी चीज स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कैसे रेडी करना है, किन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मैं आपको बेनिफिट बताऊंगी आपने देखे हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीका देखना बहुत जरूरी है। मैं अपने स्किन पर आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले इस रेमेडी को रेडी करने के लिए मैं इस्तेमाल करी हूँ पपाया का, यानी पपीते का। ये आप देख रहे हैं पपीता, बहुत इफेक्टिव है। इसको खाना भी जितना अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, लगाना अपने स्किन के लिए उतना ही अच्छा होता है। मार्केट में आप तो जानते ही हैं बहुत से फेस पैक अवेलेबल होते हैं इसके, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए। जब उसका इस्तेमाल हम बंद करते हैं हमारी स्किन वापस से बेजान हो जाती है, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप हफ्ते में एक बार करिए, नहीं तो दो दिन बाद इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो आपकी स्किन में जितनी भी फाइन लाइंस है, रिंकल यानी बुढ़ापा अगर आप चाहते हैं समय से पहले ना आए टेंशन की वजह से, तो वो भी दूर हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। जितनी डेड लेयर है उन सबको हटाकर आपकी स्किन को ये रीजेनोवेट करने का काम करता है। तो चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका छोटा सा पार्ट आपको कट कर लेना है। कट करके आप छोटा सा इसमें से पीस निकाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है खाली बाउल की। आपको जो खाली बाउल लेना है वो प्लास्टिक का लेना है या आपको कांच का लेना है, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि अगर आप कोई भी बाउल इस्तेमाल करते हैं दूसरा, तो उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो मेटल बाउल कभी भी नहीं लेना है आपको कोई भी फेस रेमेडी के लिए। इसका हम छिलका जो है वो निकाल लेंगे। इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ये कभी मत निकालेगा, जब खाने लगे तो आपको इसकी लेयर निकालनी चाहिए, तो ये बहुत यूजफुल होती है इसकी अपर लेयर। तो ये हमें फेस पे अप्लाई हमेशा करनी है। आपको ऐसे कट कर लेना है इसको छोटे छोटे पीसेस में, बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस कर लीजिए, जिसको आपको अच्छे से मैश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप देख रहे हैं इतने छोटे छोटे पीसेस में इसको आप कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप ऐसे पपाया को अच्छे से मैश कर लीजिए उसके छोटे छोटे पीसेस, जैसे आपने मुझे देखा था कट करने के बाद, या आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। मैंने इसको स्पून से अच्छे से मैश कर लिया जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसमें हमें क्या दूसरी चीज ऐड करनी है मैं आपको वो बता देती हूँ। हमें जरूरत है लेमन की। लेमन हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, बहुत इफेक्टिव है। तो प्लीज इसका इस्तेमाल करें। आपको इतना लेमन इसमें स्क्वीज कर लेना है, अच्छे से इसके बीज निकाल लीजिएगा क्योंकि वो आपको नहीं तो फेस पैक में प्रॉब्लम देंगे। तो मैंने इसके पहले बीज निकाल लिए थे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जितने भी आपके पिंपल प्रॉब्लम है उन सबको दूर कर देगा और पपाया तो आपको मैंने बताया आपकी स्किन को लाइटन ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन का रंग जो है निखारेगा। फ्रेंड्स, अब इस इंग्रेडिएंट में हमें ऐड करना है रोज वाटर। रोज वाटर से हमारी स्किन एकदम नेचुरली ग्लोइंग हो जाती है, निखरी हो जाती है और गुलाबी हो जाती है। तो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए रोज वाटर। मैंने यहाँ पे डाबर का लिया, कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रेफरेबल नहीं है कि आपको यही रिकमेंड करना है। आप कोई भी किसी भी ब्रांड कर लीजिए, या आप गुलाब की पत्तियों को पानी में बॉईल करके उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 स्पून ऐड कर लेना है रोज वाटर का, इतना इनफ है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाएं अच्छे से। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है अपने फेस पे, मैं आपको वो बता देती हूँ, लगा के मैं अपने फेस पे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया एक आई स्ट्रे का। आई स्ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्यों मैंने कन्वर्ट कर रही हूँ आई स्ट्रे में, ले क्यों रही हूँ, कैसे रेमेडी लगाऊंगी, वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। अब इस रेमेडी को हमें इसमें डाल देना है। इसका इस्तेमाल हम 1 वीक तक भी कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए 1 वीक तक, उसके बाद आप एक एक आइस क्यूब अपने फेस पर इस्तेमाल करें। कैसे करेंगे, कब करना है, मैं सब बताऊंगी। और इसका बेनिफिट क्या है कि आपको मैंने क्यों रेकमेंड करा है कि आपको ये रेडी करना है, आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है इसको। आप इसको प्रॉपर ट्रे में भी कवर कर सकते हैं। मैं हमेशा 3 डेज के लिए रेडी करती हूँ, इसलिए 3 आइस क्यूब में उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी लिया था मैं। उसके बाद फ्रेश रेडी करना ज्यादा बेटर समझती हूँ। आप 1 वीक तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसको मैंने आइस क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया है। मैं अपने फेस
पे आपको लगा के दिखाने वाली हूँ अब, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको मैं वो बताती हूँ अपने फेस पे अप्लाई करके। पहले आप अपना फेस वेट वाइप से क्लीन कर लें या रोज वाटर से क्लीन कर लें, उसके बाद ही कुछ अप्लाई करें अपने फेस पे, जितनी भी डस्ट इंप्योरिटीज है सारी क्लीन करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अपने पूरे फेस पे इसको रब कर लीजिए। आप नीचे कोई भी बाउल रख सकते हैं जिससे कि उसका जो ड्रॉप्स हैं वो बाउल में गिरे। आपका ड्रेस गंदा ना हो या कोई भी नाइट ड्रेस पहन के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अच्छे से मसाज कर लें जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, आपकी स्किन एकदम लाइटन हो जाएगी और ब्राइटन हो जाएगी। जितने भी पिंपल मार्क्स हैं वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आइस क्यूब का बेनिफिट क्या होता है, इसको आइस में मैंने क्यों कन्वर्ट किया है? आइस का बेनिफिट ये है कि आइस जो होती है आपकी स्किन को टाइट करती है, रिंकल प्रॉब्लम और फाइन लाइंस को खत्म करती है, बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आता, बहुत देरी में आता है। साथ में अगर आप आइस क्यूब लगाते हैं तो जितना भी आपका सनबर्न हुआ है या जितनी भी प्रॉब्लम हुई है आपकी स्किन बिल्कुल रीजेनरेट हो जाती है, अंदर से निखर कर बाहर आती है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। आप इसको इस्तेमाल डेली करिएगा, डेली बहुत इफेक्टिव है। पपीता आपकी स्किन को एकदम बहुत ब्राइट कर देता है। आपने देखा है पपाया के बहुत सारे फेस पैक आते हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना ये नेचुरल है। अब इसको हमें 10 मिनट तक सुखा लेना अच्छे से, उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, किसी भी गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। सोप नहीं लगाना है इसके ऊपर, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। सोप लगाएंगे तो आपका फेस में जितनी भी रेमेडी ने वर्क किया वो सब यूजलेस हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अब मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, ये प्रॉपर सूख चुका है। अब मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको वॉश कर लिया अपने फेस को, एकदम नीट हो गया है, बहुत लाइटन और ब्राइटन, और मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, आप कैमरे में फील नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो किया है मेरे साथ या रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस। आपकी स्किन पहले से बहुत लाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, जो भी मार्क्स प्रॉब्लम है वो बिल्कुल चले जाएंगे। तो प्लीज इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेमेडी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।